गुड मॉर्निंग, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। एक और नया दिन, एक और नई वीडियो की शुरुआत आज हो रही है 12:45 एग्जैक्टली 1:45 आफ्टर द नून। और एज यूजुअल चल रहे हैं अवेक एंड लाइव तिलक नगर कॉन्टैक्ट सेंटर, और श्रीवास्तव जी वहां पहुंच चुके हैं, उनसे फोन पे बात हो गई है। अभी तक फिलहाल कोई स्केड्यूलिंग नहीं है, हाँ 1 किसी को बुला रखा है अगर वो आ जाए तो, अदरवाइज फिर एज यूजुअल जैसे जैसे दिन चलता है वैसे वैसे हम आपको अपडेट करते रहेंगे, राइट। सो वहां पहुंच के अगले अपडेट के साथ मिलते हैं। देखो जी, आए थे कितने दिनों बाद श्रीवास्तव जी आ गए हैं, और हमारे को बहुत अच्छा लग रहा है। इनकी कंपनी एक्चुअली अच्छी होती है यार, मिलजुल कर सेवा करते हैं। और जब हम आए अवेक एंड अलाइव तिलक नगर कॉन्टैक्ट सेंटर तो यहाँ ना लाइट ही गई हुई थी, तो हमने कहा चलो बाहर तक चक्कर मार के आते हैं, कुछ खाने के लिए लाते हैं, क्योंकि आज ब्रेकफास्ट ठीक नहीं हुआ था। फिर यहाँ बाहर पता करा तो कह रहे हैं जी लाइट आएगी 4:00। तो मैंने कहा भैया 4:00 तक तो फिर हम 400 साल के हो जाएंगे, तो देखते हैं क्या करना है, रुकेंगे नहीं रुकेंगे, कहीं और चलेंगे, पर पहले सबसे कुछ खाने को लेके आते हैं, यार भूख लगी बड़ी तेज, राइट। चलते हैं जी बाजार। आ गए हैं जी बिना लाइट की सल्तनत में। ये देखो अब एंटी लाइट के अंदर कैसे नजर आ रहे हैं ना विनय जी, पीछे से लाइट आ रही है, देखो ऐसा है। तो बिना लाइट के बैठे हैं और पता लगा है कि 4:00 लाइट आएगी, तो अपन फटाफट से अपना ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। कुलचे ले आए थे, ये रहे, और किन्नो खा लेते हैं, ग्रीन टी नहीं पी पाएंगे कोई बात नहीं, क्योंकि बिजली के बिना हम बना नहीं पाएंगे। हमारे पास वो इलेक्ट्रिक कैटल है ना उसको गर्म करने के लिए, राइट। सो ये खाते हैं, फिर देखते हैं, कुछ बातें करते हैं, सुख दुख साझे करते हैं, क्या करके आए हो, क्या कैसे, फिर मिलते हैं थोड़ी देर बाद। फाइनली हम आ गए हैं घर पे, यहाँ पे लाइट भी है, यहाँ पे इंटरनेट भी है। अपने जो सारे काम दिन वाले होते हैं आज हम यहीं से करेंगे, और एक मेरे को मीटिंग के लिए जाना है, यहाँ पे पास में शंकर गार्डन विकासपुरी में ही है, वहां पे जाऊंगा, और जैसे जैसे दिन आगे बढ़ता है मैं आपके साथ हूँ लगातार। सिर्फ फर्क इतना पड़ गया कि हम आज अवेक एंड अलाइव तिलक नगर कॉन्टैक्ट सेंटर गए, वहां बैठ के कुलचे खाए, ग्रीन टी का इंतजाम नहीं था वो, यहाँ मैं अभी बनाने लगा हूँ कॉफी या टी, देखता हूँ जो भी होगा। और उसके अलावा हमने वहां कुछ खास किया नहीं, सॉल्टेड पीनट्स खाए, किन्नो खाए, और यहाँ आ गए। यहाँ पे भी 1-2 किन्नो पड़े होंगे, वो भी देखते हैं, अगर है तो किन्नो भी खा लेते हैं थोड़े से, राइट। सो वट एवर है, आज का काम यहाँ से चलने वाला है, राइट। सो अभी अपने काम पे चालू हो जाते हैं, फिर मिलते हैं अगले अपडेट के साथ। अब काम करने करने कुछ करते करते रैदर कुछ गरम गरम पीने का दिल किया, तो हमने बना ली है ये अपनी कॉफी, साथ में अपने किन्नो तो है ही है जैसे बोला था, तो भैया क्योंकि वहां पे ग्रीन टी पी लेते हैं और आज वहां लाइट नहीं थी, तो हमने ग्रीन टी भी पी आके बना ली है, कॉफी पी लेते हैं। काम हमारा चल रहा है, जैसे ही फ्री होंगे फिर देखते हैं क्या करना है, क्योंकि जब आप घर पे होते हो ना तो एक आपका वर्क स्टेशन होता है और एक आपके पास ना बेड भी होता है, आप जाके सो भी सकते हो, राइट। सो काम निपटाते हैं, फिर देखते हैं आगे क्या करना है। काम करते करते वही टाइम आ गया था जिस टाइम पे हम घर वापस आ जाया करते हैं। अभी फिलहाल टाइम हो गया है 3:54 इन द इवनिंग। अब हो गया अपना थोड़ा सा रेस्ट का टाइम, फिर उसके बाद चाय 5:30। सो मिलते हैं फिर चाय पे, अभी फिलहाल थोड़ा करते हैं रेस्ट। रेस्ट करना चाह रहे थे पर एक तो रेस्ट नहीं हुआ, दूसरा वो कॉल आ गया 4:30 बुलाया है उन्होंने, जहां पे हमने जाना था यहीं पास में विकासपुरी में शंकर गार्डन में कहीं जाना है, तो निकलते हैं पहले वो काम निपटा के आते हैं, फिर मिलते हैं चाय पे, राइट। पहले वो काम निपटा के आते हैं। चलो जी, हो गया है काम, जिसको मिलना था उसको मिल भी लिया है, जो उससे सामान लेना था वो भी ले लिया है, और अभी फिलहाल और तो कुछ नहीं है, टाइम भी हो गया है 5:02, सो इट्स ऑलरेडी टी टाइम फॉर मी। चलो घर पहुंचते हैं और फिर मिलते हैं चाय में। चलो जी, हो गई है शाम और अभी टाइम हो गया है 5:38, ऑलरेडी 5:30 इन द इवनिंग, और ये आ गई है अपनी चाय और साथ में अपने कुकीज, और इधर पड़ा है अपना मैजिक पोर्शन, द मैजिक पाउडर, जिससे हमें मिलती है डेली के लिए ताकत, राइट। सो जल्दी से अपन चाय पी लेते हैं और चाय के साथ साथ कुकीज खा लेते हैं, और कुकीज के साथ साथ अपना मैजिक पाउडर खा लेते हैं, और फिर मिलेंगे आपको अगले अपडेट के साथ।
तो चलें शाम की गेड़ी पे। टाइम हो गया है 6:50, ओनली 10 minutes to 7 इन द इवनिंग, और चलते हैं गेड़ी पे, बाहर देखते हैं क्या माहौल है। लो जी, निकल आए हैं बाहर गेड़ी पे, और अभी पहले बैठ के आर्ग्यूमेंट्स हो रही थी फोन पे किसी के साथ। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मतलब दूसरे को ना पागल ही समझते हैं, और खुद मैं जो चैन से बैठे रहते हैं, किसी का पैसा फंसाओ फंसाओ, किसी की जान अटकी हो कोई सीरियसनेस नजर ही नहीं आती, और ठगी मार के बैठे होते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं ना, उनके साथ ऐसा ही होता है, हमारा आर्ग्यूमेंट ही होता रहता है। क्या मतलब मूड इतना ऑफ हो जाता है ना कि आपको मैं कुछ बता ही नहीं सकता। अब गेड़ी पे निकला हूँ मैं फ्रेश मूड करने के लिए, और इनसे बहसबाजी कर करके अपना मूड और खराब हो जाता है। चलो निकले हैं गेड़ी पे, कुछ रिलैक्स करने के लिए निकलते हैं यार। ट्रैफिक भी ऑलमोस्ट ओके और ठंड कम हो चुकी है अब फिलहाल अभी। चलो देखते हैं आगे क्या होता है। और ये देखिए फ्लैग कैसे फर्स्ट क्लास लहरा रहा है, इससे शो होता है कि उस लेवल पे ऊपर हवा बहुत अच्छी चल रही है। हालांकि वो नीचे इस लेवल पे हमारे मोटरसाइकिल वाले लेवल पे इतनी तेज महसूस नहीं हो रही, पर वहां पे वो बहुत तेज चल रही है हवा। और हम पहुंच चुके हैं अब डार्क जोन में, अंधेरे वाले में। ये ट्यूबलाइट से थोड़ी सी लाइट फेस पे पड़ी, और एक लाइट और है छोटी सी आगे जिसकी लाइट पड़ती है, अदरवाइज ये पूरा एरिया डार्क अंधेरे वाला है। राइट, सो अंधेरे वाले एरिया से निकल रहे हैं, और कुछ लाइट्स जब आ जाती हैं सामने से तो फेस दिख भी जाता है, नहीं तो फिर अंधेरे में छुप जाता है। राइट, सो मिलते हैं थोड़ी देर में मिलते हैं। चलो जी, हो गई है अपनी गेड़ी ख़त्म, टाइम ख़त्म गेड़ी का, और चलते हैं खाना लेने। आज 2 दिन हो गए शायद, या पता नहीं बीच का एक ही दिन निकला है। वो कल शर्मीले वाले को बोला था मैं आऊँगा शाम को, तो जब से उसने शर्माना बंद किया हमने जाना बंद किया, ऐसा नहीं हो सकता यार। तो आज चलते हैं उसके पास और फिर मिलते हैं वहाँ पहुँच कर, उससे भी हेलो करवाते हैं। हाँ जी, देखो हम आ गए इसके पास, कल बोला था हम आएंगे पर फिर कल बलविंदर सिंह बमरा जी ने बुला लिया था, ये हमारा वेट ही करता रह गया। आज सुबह इसने कल की वीडियो देखी, मेरे को बोल रहा भाई साहब आप मेरे पास आए नहीं ना, कहीं और चले गए। भैया प्यार सब करते हैं, जो बुला लेता वहाँ तू प्यार से बुलाता है, तेरे पास आ जाते हैं, ठीक है ना, अब शर्माता नहीं है। राइट, हेलो करो बस, हेलो। फाइनली पहुंच गए हैं अपने डिनर टेबल पे, ये रही हमारी हॉट कॉफी, ये रहा हमारा रोल्स, और ये रहा आटा ब्रेड। तो भैया डिनर कर लेते हैं और वीडियो यहीं खत्म कर रहे हैं। यहां तक अगर देख ली है तो लाइक किए बिना बिल्कुल मत जाना। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो दोस्त, सब्सक्राइबर्स की भी जरूरत है, और हाँ व्यूज की भी जरूरत है। इस वीडियो को शेयर भी कर दिया करो प्लीज, अपने एटलीस्ट फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दिया करो, ताकि वो भी मेरी लाइफ देख सके और अपने सवाल मुझे भेज सके कि मैं उनको क्या दिखा सकता हूं किस चीज के बारे में। बीइंग अ बिजनेस कंसल्टेंट, बीइंग अ पर्सनल कंसल्टेंट, आप मुझसे सवाल पूछ सकते हो यार, आई कैन डेफिनेटली गिव यू आंसर्स। अपना फोन नंबर मुझे ईमेल में भेजना, पर कमेंट में मत लिख देना, ये ना हो कि लोग आपको फोन कर करके तंग करते रहे। राइट, और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन दबा लेना, ऑल नोटिफिकेशंस ऑन जरूर कर लेना, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाया करे। साइनिंग ऑफ, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, नमस्कार, खुदा हाफिज, सत श्री अकाल।